12 बजे नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए केडी ऑफिस से निकल रहा हूँ और इंशाल्लाह 1 बजे के आसपास मैं नॉमिनेशन करने वाला हूँ। कुछ रूट चेंज करने का बोले? नहीं नहीं, रूट वगैरह चेंज करने का नहीं बोले। फॉर्म आप भरने जा रहे हैं, क्या मुद्दे के ऊपर इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं? मैं मालेगांव शहर के आवाम से और खुसूसी तौर पर मालेगांव शहर के मुसलमानों से और महाराष्ट्र के मुसलमानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव, ये इलेक्शन इस महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत का है। नंबर एक इसलिए अहमियत का है, ठीक है, रोड, गटर, डेवलप, विकास, ये तमाम ही चीज़ें लोकल लेवल के ऊपर होती है और हम लोग विकास और डेवलप करने वाले लोग हैं, वो करते रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र असेंबली का जो इलेक्शन है वो कोई कॉरपोरेशन के हॉल में बैठकर झगड़ा लड़ाई करने वाला इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन जहां पर कानून बनता है, जो कानून साज अदारा है, जहां पर महाराष्ट्र की आवाम के लिए कानून बनाए जाते हैं, तो ये वो इलेक्शन है जहां पर कानून बनता है। और ये शहर के एमएलए साहब, जो मौजूदा एमएलए साहब है मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साहब, इनको शहर की आवाम ने चुन कर दिया, वो एक आलिम भी है, लेकिन इन्होंने मुसलमानों के लिए, महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना कभी भी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई और ना कभी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ इन्होंने एक भी वोट नहीं किया, बल्कि इन्होंने वक्त वक्तों पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार की मदद करने का काम किया है। आज जो हमारे सामने जो माहौल नजर आ रहा है मुल्क में, महाराष्ट्र में, सबसे अहम मैं ये मानता हूं कि वहां पर लड़ने वाला, समझने वाला और कानून को समझकर वहां पर आवाज उठाने वाला नुमाइंदे की जरूरत है। अभी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने, मरकजी हुकूमत ने वक्फ बोर्ड का बिल लाया और वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है और जब भी पार्लियामेंट का इजलास सेशन शुरू होगा उस वक्त वो बिल पेश करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि दादागिरी से, अक्सरियत से वो बिल को पास करेंगे और पास करने के बाद वो महाराष्ट्र के अंदर और पूरे मुल्क की रियासतों के अंदर वो बिल को नाफिस करेंगे, उसको लागू करेंगे। अब सवाल ये होता है कि महाराष्ट्र के अंदर भी 1,00,000 एकड़ जमीन वक्फ की है, प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, और मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान, दरगाहें, खानका, ये जो जहां पर हमारे मजहबी मुकामात है, अल्लाह का घर है मस्जिद, वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर है और ये सब वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है। जब वो काला कानून मरकजी हुकूमत बनाएंगी तो कलेक्टर को पावर दे रहे और कलेक्टर फिर वो मस्जिद के इमाम का नाम पूछेगा, कलेक्टर वहां के मौजिन का नाम पूछेगा, कलेक्टर वहां मदरसा चलता तो बच्चों का नाम पूछेगा, फिर ये सवाल करेगा कि पैसा कहां से आता, फिर ये सवाल करेगा नज्म कैसा चलता, फिर उसके बाद ये जमीन किसकी थी, इतने सवाल उठने वाले है और ये सीधा सीधा अल्लाह के घर के ऊपर वो लोग अटैक करने की कोशिश करेंगी भारतीय जनता पार्टी और जो ऑफिसरान होते हैं वो कठपुतली होते हैं हुकूमत की। मैं ऐसा मानता हूं ये इलेक्शन मुसलमानों ने और मालेगांव शहर की आवाम ने, ये मस्जिद और मीनारों का शहर है, खानकाओं का शहर है, कब्रस्तानों का शहर है, बड़े बड़े कब्रस्तान है, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा कब्रस्तान हमारे शहर में, तो एक लड़ने वाला नुमाइंदे की जरूरत है। इसके लिए जो लोग को पहले अजमा चुके, जो बीजेपी के साथ हमेशा काम किए, इन्होंने 5 साल मिलकर मिलीजुल लड़ा और इन्होंने रुपया पैसा सब कुछ अपना बनाने का काम किया, कौम का सोचा नहीं। अगर शहर की आवाम, शहर के मुसलमान मुझे चुनकर असेंबली के अंदर भेजेंगे तो मैं जो मुसलमानों के खिलाफ काले कानून बनेंगे उसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से लड़ूंगा और मैं इंसाफ करूंगा मुसलमानों के साथ और पूरा हक अदा करूंगा। जो अगर मुझे जो वोट देकर असेंबली में भेजेंगे तो कौम जो मुझे जिम्मेदारी देंगे उसका हक अदा करने का काम करूंगा। इसके लिए शहर की आवाम से मेरी अपील है कि ये इलेक्शन को आप छोटा ना समझे,
ये इलेक्शन में इत्तेहाद का मुजाहरा करना जरूरी है। ये इलेक्शन के अंदर कोई गरीब अमीर नहीं, कोई मसलक नहीं, कोई बिरादरी नहीं, ये सबको बाजू में रखकर हम लोगों को एक ताकतवर नुमाइंदा असेंबली के अंदर भेजने की जिम्मेदारी अब शहर की आवाम की। मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ, मैं शहर की आवाम से वोट मांगूंगा। और आप लोगों ने देखे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हुई, बोलने वाला कोई नहीं रहा महाराष्ट्र में। मस्जिद में घुस के मारने की बात की गई बीजेपी के एमएलए की तरफ से, बोलने वाला कोई नहीं रहा। ये सब कौन बोलेगा? ये असेंबली एमएलए जो होता है, जो असेंबली में जाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी करे। इसलिए शहर की आवाम से मैं अपील करूंगा, आप, मैं नॉमिनेशन कर रहा हूँ, अब यह फैसला शहर की आवाम को करना है कि कैसा नुमाइंदा असेंबली के अंदर बैठना चाहिए आइंदा 5 साल के लिए। यही अपील करता हूँ शहर की आवाम को, सूझबूझ से फैसला लेने की जरूरत है। आपके मुखालिफ उम्मीदवार नाकाम लोग इसी तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं, अगर वो कामयाब होते तो अपना काम बताते, अपनी नुमाइंदगी बताते। इसका मतलब वो रास्ते से भटक रहे हैं, गलत सलत इल्जाम लगा रहे, तो वो रास्ते से भटक चुके, वो नाकाम लोग हैं। और नाकाम लोगों को बहुत ज्यादा शहर तवज्जो वज्जे दे नहीं रहा, शहर अपनी आंखों से देख रहा है। 110 मस्जिद और मदरसा का काम शुरू है। 150 से जायद लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, मैंने हुकूमत महाराष्ट्र में प्रपोजल दाखिल किया हूँ, और शहर की आवाम मुझे मौका देंगी तो इंशाल्लाह सिर्फ ये 150 नहीं, पूरे शहर की मसाजिद मदरसा ये तमाम ही लोगों को इत्मीनान में लेके ट्रस्टियान को मैं हर जगह लगाने की कोशिश करूंगा। और यही नहीं, महाराष्ट्र के मुसलमान अगर मेरे पास आएंगे, अगर मैं एमएलए रहा, तो इंशाल्लाह उनकी भी मदद करूंगा।